हेलो एवरीवन आई एम आस्था वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल केंद्रीय विद्यालय में स्टेनोग्राफर अगर आप बनना चाहते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं तो आज हम इस वीडियो में केवीएस स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा एंड न्यू सिलेबस क्या रहेगा डिटेल में हम जानेंगे आप सभी जानते हैं अभी के से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है एंड टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट पर भर्ती की जा रही है उसमें से एक पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की जो पोस्ट है इस पर ट्वेल्थ पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं स्टेनोग्राफर पोस्ट के के लिए 12th के बाद आप इसमें इसमें अप्लाई कर सकते हैं so, सो हम एग्जाम पैटर्न एंड न्यू सिलेबस क्या रहेगा अभी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम पूरा डिटेल में जानेंगे ओके okay? आज से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे सो so, आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे अगर स्टेनोग्राफर पोस्ट पर भी आप भर्ती करना चाहते हैं आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो वीडियो देख लीजिएगा आपके सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जाम पैटर्न जो रहेगा सिलेबस उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी चलिए स्टार्ट करते हैं सो ऑफ एग्जामिनेशन जिसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वन ट्वेंटी क्वेश्चन ही रहेंगे वन ट्वेंटी क्वेश्चन वन ट्वेंटी मार्क्स के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन री वन मार्क फॉर ईच क्वेश्चन ओके सो वन ट्वेंटी क्वेश्चन वन ट्वेंटी मार्क एक क्वेश्चन का आपको एक मार्क रहेगा द ड्यूरेशन ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी वन ट्वेंटी मिनट वन ट्वेंटी क्वेश्चन वन ट्वेंटी मार्क्स एंड टाइमिंग भी आपको वन ट्वेंटी मिनट की दी जाएगी द क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इन थ्री सेक्शन जो इस्टनोग्राफर ग्रेड सेकेंड के लिए रहेगा इसमें तीन सेक्शन में आपका पेपर क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहेगा पेपर फर्स्ट आपका है पार्ट वन अगर देखें तो पार्ट वन में लैंग्वेज प्रोफिसियंसी टेस्ट फिफ्टी मार्क्स की रहेगी जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों से रहेंगे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का जनरल इंग्लिश में कंफ्रेंशन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्पेलिंग एरर स्पॉटिंग एरर इन सेंटेंस ग्रामर में नाउन प्रोनाउन एग्जेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन आर्टिकल्स आएंगे इसमें ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन रहेंगे ट्वेंटी फाइव मार्क्स के हिंदी में आपका आधारित प्रश्न रहेंगे जो एक तरह से आपको गध दिया जाता है यानी पैराग्राफ उससे रिलेटेड के आपको आंसर देने होते हैं तत्सम विलोम मुहावरे लोकोतिया शुद्ध अशुद्ध वाक्य संधि विच्छेद अलंकार समास वचन लिंग अनेकार्थी और वाक्य के लिए एक शब्द इससे भी ट्वेंटी फाइव यानी फर्स्ट पार्ट आपका रिटर्न एग्जामिनेशन में होगा लैंग्वेज प्रोफिसियंसी टेस्ट जिसमें दोनों ही लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव हिंदी और इंग्लिश से सेकेंड पार्ट देखेंगे जो सेकंड पार्ट आपका रहेगा वो है जनरल अवेयरनेस इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर लिटरेसी सिक्सटी मार्क्स का जनरल अवेयरनेस से फिफ्टीन मार्क्स का आएगा जिसमें इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे इंडियन जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं नंबर सिस्टम नंबर सीरीज सॉरी नंबर सीरीज सिम्बोलिक या नंबर एनॉलॉजी फिगरल पूछेंगे क्वेश्चन अरेथमार्टिकल नंबर सीरीज पूछ सकते हैं कोडिंग डी कोडिंग स्मॉल एंड कैपिटल लेटर ओके थर्ड इसमें रहेगा कंप्यूटर लिटरेसी 15 मार्क्स का रहेगा इससे भी और इसमें आपका कंप्यूटर uh, से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे रैम रोम फाइल सिस्टम इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आपका एमएस ऑफिस एमएस एक्सेल स्प्रिडशीट्स ये इस तरह से क्वेश्चन आएंगे क्वाटिटेटिव एप्टीट्यूड से ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स के रहेंगे इसमें आपका नंबर सिस्टम टाइम एंड वर्क एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड प्रोपोशन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट Time and distance. इसके बाद यहां पर आपका होगा skill test. Skill test ये stenographer की वैकेंसी है स्टोनोग की पोस्ट है तो स्किल टेस्ट में आपका शॉर्ट होगा। इसमें डिक्टेशन टेन मिनट एटी वर्ड पर मिनट रहेगा ट्रांसक्रिप्शन हिंदी रहेगा कंप्यूटर पर रहेगा शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट 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 ये आपका नेचर का रहेगा टाइपिंग टाइपिंग होगा इसमें ऑन कंप्यूटर on रहेगा नेट टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की स्पीडी वर्ड पर मिनट रहेगी और अगर आप हिंदी में देते हैं तो थर्टी फाइव वर्ड पर मिनट रहेगी नेक्स्ट होगा कंप्यूटर प्रोफिशियंसी टेस्ट सो इसमें एमएस वर्ड एमएस एक्सएल एमएस एमएस पावर पॉइंट एंड इंटरनेट हंड्रेड मार्क्स का रहेगा और इन सभी से रिलेटेड आपका टेस्ट होगा सो so, ये थ्री पार्ट्स में है रिटर्न एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर थ्री पार्ट में डिवाइड है जिसमें आपका रहेगा फर्स्ट इसके बाद यहाँ पर थर्ड जो आपका रहेगा वो स्किल टेस्ट हो जाएगा यहाँ पर शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशियंसी टेस्ट देयर विल बी नो इंटरव्यू तो जो स्टर्नोग्राफर की पोस्ट है इस पर कोई भी इंटरव्यू नहीं है एंड स्किल टेस्ट इज क्वालिफाइंग नेचर जो स्किल टेस्ट है आपका शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग ये नेचर का है जिसमें आपको फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट मार्क्स लाना जरूरी है इसको क्वालिफाई करने के लिए फाइनल मेरिट जो आपकी तैयार की जाएगी वो आपके एग्जामिनेशन के बेस पर तैयार की जाएगी ओके okay? सो so, यहाँ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ so, वो आप देख लीजिएगा उसमें पी टीचर के लिए भी मैंने वीडियो अपलोड किया है पी म्यूजिक टीचर के लिए भी वीडियो अपलोड कर दिया है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए अपलोड कर दिया और ये मेरा स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें ट्वेल्थ रिक्वायर्ड रहता है सॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए उसके अलावा इसमें क्या सिलेबस रहेगा एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा ये मैंने यहाँ पर आप क्लियर कर दिया है आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर सकते हैं इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे आज से पाँच दिसंबर से अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप बेरियस पोस्ट वैकेंसीज़ हैं नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन पर भी वीडियो अपलोड है अगर आपने विजिट नहीं किया है लिंक आई बटन पर दे दूंगी आप उसको विजिट कर लीजिएगा पीजीटी टीजीटी टीचर्स पर भी वीडियो सेपरेट अपलोड कर दिए उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड एग्जाम पैटर्न को लेकर के ओके सो आप विजिट कर लीजिएगा आप इन वैसे किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग